जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार ओमान पहुंची भारत की मुंबई टीम, तो वहां पर आया भारतीय टीम के बल्लेबाजों का भयंकर तूफान। बीच मैदान पर खेली ऐसी तूफानी पारी कि देखने के बाद आप भी रह जाओगे हैरान। तो ऐसे में दोस्तों जानेंगे कि आखिरकार ओमान पहुंचते से ही कैसे भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी कर हर किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और साथ में कितने कितने रन उन्होंने बनाए, तो पूरी डिटेल जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो सभी बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों यहां पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मुकाबले से पहले भारतीय टीम को मिली बड़ी खुशखबरी। अचानक से ही टीम में शामिल हुआ ये खिलाड़ी कि अब भारत की जीत हुई पक्की। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि आईपीएल 2021 के फेज 2 से पहले बीसीसीआई ने जारी किया बड़ा ऐलान, अब ये खिलाड़ी नहीं खेल पाएंगे आईपीएल 2021 के बाद भी आईपीएल के मुकाबले। जानकर आप भी रह जाओगे हैरान। तो दोस्तों इस खबर के बारे में भी जानेंगे, तो आप सभी इन तीनों ही खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों अगर आप भी भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों को दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाज मानते हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप भी हमारे चैनल आरएस न्यूज पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि मुंबई की टीम ओमान पहुंच चुकी है, और ऐसे में ओमान पहुंचने के बाद मुंबई की टीम को लगभग 3 दिन क्वारंटाइन होना पड़ा। जी हां दोस्तों, हम आपको बताएं कि मुंबई टीम और ओमान की टीम के बीच में पहले 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जाने वाली थी, लेकिन दोस्तों इस T20 सीरीज के कार्यक्रम को ओमान क्रिकेट बोर्ड ने पूरी तरीके से बदल दिया और ऐसे में जो मुकाबले 22 तारीख से खेले जाने वाले थे उनको आगे बढ़ाकर 24 तारीख कर दिया गया। जी हां दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना, मुंबई और ओमान की टीम के बीच में आज यानी कि 24 अगस्त को पहला T20 मुकाबला आज खेला जाएगा। लेकिन दोस्तों इस पहले T20 मुकाबले से पहले ओमान में भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों का अभ्यास सत्र में तूफान देखने के लिए मिला। जी हां दोस्तों, हम आपको बताएं कि पहले T20 मुकाबले को मुंबई की टीम बिल्कुल अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहेगी, और ऐसे में इसी को ध्यान में रखते हुए मुंबई की टीम ने आज जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए हर किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताएं कि आज ओमान की टीम को चुनौती देने के मकसद से मैदान पर जब अभ्यास सत्र में भारतीय टीम के बल्लेबाज मैदान पर उतरे तो आज भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर हर किसी को बहुचक्का कर दिया। दरअसल दोस्तों यहां पर यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे ने तो आज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर ये बता दिया कि ये खिलाड़ी भी भारत की ए टीम में खेलने के लिए पूरी तरीके से लायक है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताएं कि आज शिवम दुबे ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 77 रनों की पारी खेली और महज 77 रन उन्होंने अपनी 32 गेंदों में बना डाले, और इस पारी के दौरान उन्होंने 7 चौके और 4 छक्के लगाए थे। तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल तो अपनी अलग ही लय में दिखाई दिए। जी हां दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 108 रनों की पारी खेली, और वहीं दोस्तों अपनी 108 रनों की पारी में यशस्वी जायसवाल ने 11 चौके और 5 छक्के लगाए। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर यशस्वी जायसवाल, शिवम दुबे समेत भारतीय टीम के और भी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर आज हर किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। और जैसे कि आप सब यहां पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो कि किस लय में आज भारतीय टीम के बल्लेबाज दिखाई दिए। बाकी दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया जो कि अभी हमने आपको बताया। बाकी दोस्तों अब आपकी क्या राय, आपको क्या लगता है, क्या मुंबई की टीम ओमान की टीम को पहले T20 मुकाबले में हराने में कामयाब हो पाएगी या फिर नहीं, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ही चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मुकाबले के लिए भारतीय टीम को मिली बड़ी खुशखबरी, प्लेइंग 11 टीम में शामिल होगा ये खिलाड़ी। जी हां दोस्तों, भारत के तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर बुधवार से इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले तीसरे टेस्ट मैच में खेलने के लिए फिट हैं। हालांकि दोस्तों इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अंतिम एकादश में उन्हें शामिल किया जाएगा या फिर नहीं। दरअसल दोस्तों टीम के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे ने वर्चुअल मीडिया वार्ता में कहा, शार्दुल अब फिट हैं और चयन के लिए तैयार भी हैं, हमें बस देखना होगा कि हम किस संयोजन के साथ उतरेंगे। भारतीय मध्यम क्रम के बल्लेबाज ने रोटेशन नीति की संभावना को खारिज करते हुए कहा है कि सभी गेंदबाजों का दूसरा टेस्ट खत्म होने के बाद अच्छा ब्रेक मिला है जो कि 16 अगस्त को खत्म हुआ था। तो वहीं दोस्तों रहाणे ने कहा, रोटेशन नीति के बारे में, हमें पिछले टेस्ट के बाद अच्छा ब्रेक मिला, हम सभी तेज गेंदबाज खेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, वे खेलना चाहते हैं जो अच्छा संकेत है। शार्दुल जो महीने की शुरुआत में ट्रेंट ब्रिज में हुए पहले टेस्ट मैच में खेले थे उन्हें चोट लगी थी और वह दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए थे। हालांकि उनके उपलब्ध नहीं रहने से ईशांत शर्मा को लाया गया और उन्होंने भी बेहतरीन प्रदर्शन, ऐसे में शार्दुल ठाकुर अब फिट तो है लेकिन उनके खेलने पर थोड़ा संशय बना हुआ है। बाकी दोस्तों अब आपको क्या लगता है, आपकी तीसरे टेस्ट मुकाबले में शार्दुल ठाकुर को मौका देना चाहिए या फिर नहीं, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं
हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारतीय क्रिकेट टीम जहां एक तरफ इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरे पर है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की मुंबई टीम इस समय ओमान पहुंच चुकी है। जी हां दोस्तों, हम आपको बताएं कि 19 अगस्त के दिन ही मुंबई की टीम ओमान पहुंच गई थी, और ऐसे में ओमान क्रिकेट बोर्ड ने मुंबई और ओमान की टीम के बीच में खेले जाने वाली 3 मैचों की T20 और 3 मैचों की ODI सीरीज का शेड्यूल भी घोषित किया था। जी हां दोस्तों, शेड्यूल के मुताबिक जो ओमान और मुंबई की टीम के बीच में जो मुकाबले खेले जाने वाले थे वो 22 तारीख से शुरू होने वाले थे, लेकिन दोस्तों हम आपको बताएं कि 21 अगस्त को मुंबई की टीम और ओमान की टीम के बीच में अभ्यास मैच खेला गया, और ऐसे में उस अभ्यास मैच के बाद पूरे कयास थे कि 22 अगस्त यानी कि उसी के अगले दिन इस सीरीज को चालू कराया जाएगा। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 22 अगस्त को किसी कारणवश ओमान की टीम नहीं करा पाई, और 22 तारीख जब मैच कराया जाने वाला था उस तारीख पर हम अमल नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों अब उन्होंने नई तारीख का ऐलान करते हुए बताया है कि मुंबई की टीम जो कि 19 अगस्त को ओमान पहुंची थी वो 2 से 3 दिन और क्वारंटाइन में रहेगी, और ऐसे में अब मुंबई की टीम और ओमान की टीम के बीच में कल यानी कि 24 अगस्त वाले दिन पहला T20 मुकाबला खेला जाएगा। जी हां दोस्तों, ये 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला T20 मैच होगा जो कि आप सभी ओमान और भारतीय टीम के बीच में खेला जाता हुआ दिखाई देगा। हालांकि दोस्तों हम आपको बताएं कि ये मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक होने वाला है, और इस मुकाबले का इंतजार हर कोई बेसब्री से कर रहा है। देखने के लिए आप सभी को एक दिन का और इंतजार करना पड़ेगा, और कल UAE के 2 बजे की टाइमिंग के हिसाब से मुकाबला करवाया जाएगा, और इसकी खुद ऑफिशियल जानकारी इंस्टाग्राम पोस्ट पर ओमान क्रिकेट बोर्ड ने दी है। बाकी आप यहां पर पोस्ट भी देख सकते हो। और ऐसे में आपकी क्या राय है, क्या मुंबई की टीम ओमान के खिलाफ पहला T20 मुकाबला जीतने में कामयाब हो पाएगी या फिर नहीं, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये, रवि शास्त्री ने किया था वादा रोहित शर्मा को टेस्ट बल्लेबाज बनाकर रहूंगा। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा ने पिछले कुछ वर्षों में बतौर टेस्ट क्रिकेटर अपना नाम बनाया, जहां पर वनडे और T20 क्रिकेट में तो रोहित शर्मा शानदार है ही, लेकिन दोस्तों अब टेस्ट क्रिकेट में भी इस बल्लेबाज ने खुद को साबित किया है। जी हां दोस्तों, हम आपको बताएं कि रोहित शर्मा ने घर पर अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखने के साथ ही विदेश में भी अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाया है। तो वहीं दोस्तों रोहित शर्मा का टेस्ट क्रिकेट में बतौर ओपनर शानदार खेल दिखाने का श्रेय टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री को भी जाता है। यह खुलासा किया गया है कि कैसे रवि शास्त्री ने रोहित शर्मा को बतौर टेस्ट क्रिकेटर देखने के लिए दृढ़ संकल्प लिया था। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर ये काफी बड़ी अपडेट है। बाकी आपकी क्या राय है रवि शास्त्री के इस नए काम के बारे में, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो जानकारी को लाइक कीजिएगा, और साथ में RS न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाइएगा, ताकि आप भी क्रिकेट की तमाम जानकारियों से अपडेटेड रह सकें।